हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल घर का वैद्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से, घर का वैद्य चैनल के माध्यम से, बहुत छोटी छोटी सी बीमारियों के घरेलू नुस्खे आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि किसी को जिगर की खराबी है, यानी लीवर में गड़बड़ी है, तो हम किस घरेलू नुस्खे का यूज करें कि वो ठीक हो जाए। दोस्तों, ये है मूली। दोस्तों, वैसे तो मूली कई रोगों में जो है बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि किसी को जिगर की खराबी है, लीवर में गड़बड़ी है, तो किस तरह से मूली का सेवन करें कि उससे हम छुटकारा पा सकें। दोस्तों, जिन लोगों के लीवर में गड़बड़ी है, या जिनका लीवर बहुत कमज़ोर है, या जिनका हाजमा खराब है, भूख नहीं लगती है, तो उन्हें जो है सुबह उठकर नींबू के रस में मूली का रस मिलाकर काली मिर्च और काला नमक डालकर पीना चाहिए। इससे लीवर की गड़बड़ी पूरी तरह से ठीक होती है, लीवर जो है मजबूत होता है और पेट की कई सारी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती हैं, पेट के कई रोग ठीक होते हैं। दोस्तों, मूली जो है पीलिया रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, मूली नहीं, इसे नवजीवन कहो, इसे डॉक्टर कहो, इसे सफल औषधि कहो। मूली से हम जीवन की कई प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, कई बीमारियों से हम इसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक माने जाते हैं। दोस्तों, पीलिया रोगियों के लिए भी मूली जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिन लोगों को पीलिया रोग हो जाता है, उन्हें मूली का रस कुंजा मिश्री में डालकर सुबह शाम 2 समय पीना चाहिए। इसे जो है पीलिया रोग ठीक हो जाता है। और दोस्तों, बवासीर के रोगियों के लिए भी मूली को इस तरह से प्रयोग में करना चाहिए जैसे हम लीवर की गड़बड़ी में करते हैं, मतलब यही नुस्खा हमें अपनाना चाहिए। किस तरह से, जैसे सुबह उठकर मूली के रस में जो है नींबू का रस और काली मिर्च काला नमक डालकर पीना चाहिए, बवासीर के रोगियों को भी और जिनके लीवर में गड़बड़ी है उनको भी इसी तरह से पीना चाहिए, तो बवासीर जो है ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी लोग मेरे बताए हुए इस नुस्खे का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, और हेल्थ वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल घर का वैद्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी एक नई हेल्थ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।